नमस्कार आदाब, मेरा नाम है दिवांशु अलावत। ये सामने जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है हनुमान मंदिर। गाड़ी का जो है स्टीयरिंग व्हील मैं लेफ़्ट की तरफ मोड़ता हूँ और सामने हम चलेंगे। महज 100 मीटर की दूरी पे यह मंदिर हम देख पाएंगे। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं हनुमान मंदिर। ये टूवर्ड्स राइट पार्किंग है, जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये फ्री पार्किंग है। आप चाहें तो यहाँ अपना वाहन पार्क कर सकते हैं, अगर अगर आपकी इच्छा ना हो तो इस तरीके से रोड पे भी पार्क कर सकते हैं साइड में लगा के। मैंने दीवार से चिपका के गाड़ी को साइड में पार्क किया हुआ है। और ये वो मंदिर का एंट्रेंस है, जो मंदिर का प्रवेश द्वार है आप सामने देख पा रहे हैं। बहुत ही भव्य, विशाल, सुंदर, साफ मंदिर है ये। और चलिए मैं आपको मंदिर का समय और मंदिर का एड्रेस बता देता हूँ। ये पहले आप देख लें, ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, गार्ड कक्ष है। मंदिर खुलने का समय दिया हुआ है, आप यहाँ पे पॉज करके देख लें। सवेरे 5:30 बजे खुलता है, 12 बजे बंद होता है, संध्या में फिर से 4 बजे खुलता है, 6:30 बजे बंद हो जाता है। और समर और विंटर के टाइमिंग्स जो हैं वो विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, आप वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ये जब आप अंदर आते हैं प्रवेश द्वार से, एंट्रेंस से, तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे तो सामने ही आप पाएंगे हनुमान जी की, हनुमान भगवान जी की एक विशाल सी मूर्ति। इस मंदिर में सबसे पहले जो है पार्ट ये है शिवलिंग जी। आप यहाँ आके जल अर्पण करें, हमने अभी जल अर्पण किया है शिवलिंग जी को। इसके बाद जैसे कुछ सीढ़ियाँ आप चढ़ के ऊपर की दिशा में जाएंगे तो आप जो है श्री राम जी का दरबार पाएंगे। ये है श्री राम जी का दरबार आपके समक्ष, आपके सामने। ये अभी बहन है, ये दरवाज़ा खोल रही हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। साइड में ही आप देख सकते हैं श्री राम जी की आरती लिखी हुई है। ये देखें आप कितना ही सुंदर है। और यहाँ से हमने मेन एंट्रेंस किया था। सवेरे का समय है, 6:05, 6:10 हो रहे हैं, तो शांति है, कोई लोग नहीं है इस समय यहाँ पे। और ये देखें आप इस प्रकार, ये फाउंटेन है 3 पैनल्स में, 1, 2, 3 यहाँ पे झरना है। ये चलता होगा, मे बी शाम के समय चलाते होंगे यहाँ पे, जिससे जो है खूबसूरती जो है मंदिर की और निखर के आती होगी। ये सामने वही मूर्ति हनुमान जी की आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी लगाई हुई है। और पीछे साइड से रास्ता भी है जो आप ऊपर देख पा रहे हैं खड़े होने के लिए। ऊपर भी आप जाके जल अर्पण कर सकते हैं, दूध अर्पण कर सकते हैं विशाल मूर्ति को, हनुमान जी को। तो मैं भी जा सकता था पीछे, बट फिर मैं नहीं गया। मैंने सोचा ठीक है, यहाँ से दर्शन ले लेते हैं। बाकी आप देखें यहाँ साइड में ही ना एक संस्कृत विद्यालय है, इसका नाम अभी आपको दिखाई देगा, आदर्श संस्कृत विद्यालय। यहाँ पर जो है बेसिकली संस्कृत का स्कूल है एक तरह से, तो गुरुकुल है आप कह सकते हैं। जब आप यहाँ पे वसंत विहार में आएँ तो यहाँ ज़रूर